जिलाधिकारी बस्ती ने अधिकारियों के साथ दुबौलिया में किया भ्रमण। आपको बता दें कि बस्ती जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने अधिकारियों के साथ दुबौलिया विकास खंड के अतिवृष्ट प्रभावित विभिन्न गांव का निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश किया है कि अधिकारी पूरी तरीके से सतर्क रहें, क्योंकि अभी और बाढ़ का पानी बढ़ने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश का सरयू नदी में आ सकता है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है। उन्होंने निर्देश दिया है कि बाढ़ के दौरान स्थापित सभी बाढ़ राहत केंद्र बाढ़ चौकी को सक्रिय किया जाए। इन केंद्रों पर तैनात कर्मचारी 24 घंटे मौजूद रहेंगे तथा विभागीय सेवाएं लोगों को देंगे। उन्होंने स्वास्थ्य एवं पशुपालन विभाग को भी निर्देशित किया है कि लोगों को पशुओं का नियमित इलाज करें, आवश्यक टीकाकरण जरूर कराएं। उन्होंने DPRO को निर्देश किया है कि वह सभी सफाईकर्मी अपने ड्यूटी स्थल पर तैनात रहें तथा नियमित साफ सफाई भी हो। ग्राम प्रधान के समन्वय स्थापित करके गांव में एंटी लार्वा छिड़काव तथा फागिंग भी कराया जाए। हैंडपम्प में क्लोरीन की गोली डलवाई जाए जिससे शुद्ध पेयजल मिल सके। जिलाधिकारी ने साणपुर सर्वोदय इंटर कॉलेज बरसाव प्राथमिक विद्यालय हेंगापुर जूनियर हाई स्कूल टेढ़वा जूनियर हाई स्कूल प्राथमिक विद्यालय बिशुनदासपुर कटरिया प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया है। जहां बाढ़ राहत केंद्र बनाया गया है यहां के लोगों को रहने की मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर साणपुर सर्वोदय इंटर कॉलेज में एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा शिविर का संचालन भी किया जा रहा है। अस्वस्थ लोगों की जांच करके उन्हें दवाएं दी जा रही हैं। जिलाधिकारी ने साणपुर के ग्राम प्रधान राम सिंह तथा कटरिया के ग्राम प्रधान नीतू सिंह से वार्ता किया है। इस मौके पर तमाम लोग उपस्थित भी रहे हैं।